राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जितनी चाकरी उसको उतना दे। जी हाँ, आज ये दोहा बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस समय की हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर, क्योंकि उनकी जितनी चाकरी है उनको उतना ही मिलेगा, या फिर जिसकी भी जितनी चाकरी है उसको उतना ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने भी मीडिया से बातचीत में कहा है कि अगले 24 घंटे में एक खुशखबरी मिल सकती है और हम हर हालात के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पहली खुशखबरी 24 घंटे में मिलेगी, दूसरी खुशखबरी उसके कुछ देर बाद मिलेगी। इस पर और बात करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं मंत्री झावर सिंह खर्रा ने क्या कुछ कहा। नगर निगम हेरिटेज में जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, अगर उससे कांग्रेस पार्टी के पार्षद आहत थे और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने मेरे पास आ गए, मैंने उनको सुन लिया और निश्चित रूप से हम उनकी पीड़ा का निराकरण करेंगे। कोई गणित नहीं चल रही है, सब कुछ सही है, शायद कल तक आपको नई खुशखबरी मिल जाएगी। मेरे से कोई भी व्यक्ति मुलाकात कर सकता है, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कल की तारीख में आपको नई खुशखबरी। मंत्री जी, विलंबन होगा, मैंने क्या कहा, कल की तारीख में आपको खुशखबरी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आप 24 घंटे इंतजार कीजिए, कल आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी, उसके बाद दूसरी खुशखबरी। हर परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार हैं, किसी भी परिस्थिति में वो अब बच नहीं सकती। तो ये आपने सुना मंत्री झावर सिंह खर्रा को, और साफ तौर पर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कह दिया कि 24 घंटे में खुशखबरी मिलेगी और उसके बाद एक और खुशखबरी मिलेगी। पत्रकारों ने जब कहा कि अगर मेयर मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट जाती हैं तब क्या होगा, तब आपने सुना मंत्री जी को, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम हर चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से मेयर मुनेश गुर्जर और भाजपा के जो पार्षद हैं उनमें एक विवाद चल रहा है, और वो सभी चाहते हैं कि मेयर मुनेश गुर्जर को पद से हटाया जाए या उन्हें निलंबित किया जाए। और ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा, और वहां से कोर्ट से ये आदेश आया है कि 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन में इस विवाद को हल किया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो कार्यवाहक मेयर भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही हुआ था, अगर आपको याद हो, कांग्रेस सरकार के टाइम में, जब उस समय की गहलोत सरकार और ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के बीच में विवाद हुआ था। सौम्या गुर्जर को पद से हटाया गया था, लेकिन सौम्या गुर्जर हाईकोर्ट में गई और स्टे लेकर आ गई। हालांकि ये बात अलग है कि उस समय की सरकार ने उस स्टे को नहीं माना और सौम्या गुर्जर को हटाकर कार्यवाहक मेयर बना दिया गया, जो कि शील धाबाई को बनाया गया। क्या आपको लगता है कि अगर इस वाली चीज़ के अंदर भी मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट जाती हैं तो क्या वर्तमान भाजपा सरकार पुरानी गहलोत सरकार से सबक लेकर ऐसा कर पाएगी या नहीं, ये तो समय के गर्भ में छुपा है। लेकिन आपको बता दें कि 14 दिन का ये जो समय दिया गया है, इन 14 दिनों का इंतज़ार हो सकता है कुछ के लिए बहुत बड़ा हो, लेकिन जैसा कि मंत्री झावर सिंह ने कहा कि 14 दिन नहीं, सिर्फ 24 घंटे रुके आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अगर मेयर मुनेश गुर्जर अपने पद से हटाई जाती हैं तब फिर कार्यवाहक मेयर किसको बनाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब में 3 नाम चल रहे हैं, कुसुम यादव, ललिता जायसवाल और कपिला कुमावत। आपको बता दें कि इन तीनों के ही नाम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर कार्यवाहक मेयर बनाया जाता है तो वो ओबीसी वर्ग से आएगा, और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आती हैं, तीनों के ही परिवार में या ये खुद बीजेपी आरएसएस से जुड़ी हुई है, इनके परिवार में कोई ना कोई भाजपा से और आरएसएस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन तीनों का नाम प्रमुखता से चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 24 घंटे में क्या कुछ होगा और क्या कार्यवाहक मेयर बनाया जाएगा, और इन तीनों में से कौन कार्यवाहक मेयर बनेगा ये 24 घंटे बाद में पता पड़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के पीछे अगर कोई जड़ है तो वो है नगर निगम हेरिटेज में व्याप्त हुआ भ्रष्टाचार, जिससे सभी लोग आहत थे। कई कर्मचारी अधिकारी बार बार इसकी शिकायत कर चुके थे और यहाँ तक कि आम जनता भी अब शिकायत करने लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेयर मुनेश गुर्जर अपने पद पर यथावत बनी रहीं। उनके घर पर छापा भी पड़ा, उनके घर से कई लाख रुपए भी मिले, लेकिन उसके बाद भी उनके पद को कोई नहीं खत्म कर पाया। लेकिन अब क्योंकि अब कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब ऐसा लगता है कि मेयर मुनेश गुर्जर के लिए
यही रात अंतिम है और यही रात भारी भी पड़ने वाली है। अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या मेयर मुनीश गुर्जर स्टे लेकर आती हैं जैसा कि पूर्व में सौम्या गुर्जर ने किया था, या वो इसे अपनी नियति मानकर पद से हट जाएंगी। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।